सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू गेम्स लॉन्च्ड इन अप्रैल 2021। तो यहाँ बहुत सारे गेम हमको हर महीने देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से जो है मैं इस टाइप की वीडियो हर महीने लेके आऊँगा, यानी कि जिस मंथ में जो उनसे नए गेम्स रिलीज होंगे उसके ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको अप्रैल मंथ के बताऊँगा, जिसमें अभी तो अप्रैल पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बट अभी तक में जितने रिलीज़ हो गए हैं तो उन्हीं गेम्स को मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिस्ट को स्टार्ट करेंगे ड्रैगोनिकल गेम के साथ में। तो इस गेम का साइज़ है 1.1 GB। अब बेसिकली ये सारे इस लिस्ट में जितने भी गेम हैं सब ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेंगे, बट ये जो गेम है ये गेंशिन इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि अगर आपने गेंशिन इम्पैक्ट गेम देखा होगा या फिर खेला होगा तो आपको पता चल ही गया होगा गेम प्ले से कि ये कितना ज़्यादा सिमिलर है। इसके अंदर में कैरेक्टर से लेके कस्टमाइजेशन से लेके हर चीज़ आपको उस गेम से सिमिलर देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा गेम है ये भी। अगर आपके पास में ज़्यादा हाई एंड डिवाइस नहीं है जो कि गेंशिन इम्पैक्ट ना चला पाए, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। अभी न्यू लॉन्च गेम है ये। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट गेम है, इस गेम का नाम है द वॉकिंग डेड सर्वाइवर्स, और गेम का साइज़ है 427 MB। अब अगर आपने द वॉकिंग डेड गेम सीरीज़ देखी होगी तो वो ज़्यादा फेमस इसीलिए है कि वो गेम जो है स्टोरी लाइन बेस्ड होते हैं और बहुत अच्छे गेम होते हैं, बट ये गेम उस सीरीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, है द वॉकिंग डेड ही का गेम, बट यहाँ जो है ये इसके अंदर में स्ट्रेटेजी टाइप का गेम है, ये स्टोरी लाइन वाला गेम नहीं है। आप गेम प्ले भी देख रहे होंगे, गेम प्ले भी इतना कुछ मुझे तो खास लगा नहीं, क्योंकि उसके जो स्टोरी लाइन वाले कटसीन्स टाइप के गेम आते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बट अगर फिर भी अगर आप एक द वॉकिंग डेड सीरीज के फैन हैं तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट गेम है, इस गेम का नाम है स्मैश लेजेंड्स, और गेम का साइज है 103 MB। अब ये जो गेम है ये अगर आप देख रहे होंगे तो ब्रोल स्टार गेम टाइप का लग रहा है आपको, बट ये गेम लिटरली बहुत अच्छा है, क्योंकि इस गेम की जो ग्राफिक्स है उसके साइज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, साथ में बहुत ही एडिक्टिव गेम प्ले है इसका। मैंने इसको प्ले भी करा था और बहुत अच्छा लगा मुझे ये गेम। तो ये जो गेम है इसके अंदर में आपको 3v3 1v1 देखने को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका 4-5 मिनट तक का मैच होता होगा, उससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता होगा। एंड ये जो गेम है मतलब लिटरली आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप एक मल्टीप्लेयर गेम ढूंढ रहे हैं, वो भी 100 MB के अराउंड। तो वैसे इस गेम ने डाउनलोड भी काफ़ी अच्छे कंप्लीट कर लिए हैं एक मंथ के अंदर में ही। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट गेम है, इस गेम का नाम है वर्ल्ड वॉर 2, और गेम का साइज़ है 415 MB। अब ये जो गेम है ये एक FPS शूटिंग गेम है जो कि बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 पर। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो गेम है मतलब हर चीज़ में तो अच्छा था, बट मुझे एक चीज़ ने डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि जब ये गेम प्री रजिस्ट्रेशन में था तो उस टाइम इस गेम के जो स्क्रीनशॉट प्ले स्टोर पर डले थे उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छी लग रही थी, वो इसलिए क्योंकि उसमें जो है थोड़ा लाइटनिंग टाइप की ग्राफिक्स थी, बट जब इसका हमने गेम प्ले देखा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डार्क टाइप का गेम प्ले, इसका मतलब ब्लैक टाइप का बहुत ज़्यादा इस गेम में, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा। तो ये अगर फिक्स कर दे तो गेम तो बहुत ही अच्छा है, और ये गेम भी ऑनलाइन है। मैंने बोल चुका हूँ आपको सारे गेम ऑनलाइन है, फिर भी कमेंट तो ज़रूर आएंगे मुझे, पर आप चाहें तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा सेकेंड प्लेस पर गेम है, इस गेम का नाम है फेस ऑफ वॉर, और गेम का साइज़ है 142 MB। अब ये गेम लिटरली बहुत ही अच्छा गेम है, क्योंकि ये एक TPS शूटिंग गेम है, बट इस गेम का जो साइज़ है उस हिसाब से इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये भी एक मल्टीप्लेयर गेम है, यानी आप अपने फ्रेंड के साथ में भी खेल सकते हैं और ऑनलाइन अपने जो भी मतलब प्लेयर्स होते हैं उनके साथ में भी इस गेम को खेल सकते हैं। बट ये जो गेम है, इस गेम की ग्राफिक्स ही इसका प्लस पॉइंट है, एंड इसका जो गेम प्ले है ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा अभी बग्स हमको देखने को मिल सकते हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये गेम नया है। बाकी इस गेम के अंदर में अलग अलग मैप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ में जो है अलग अलग वेपन्स, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहें तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट प्लेस पर गेम है, इस गेम का नाम है मर्सस, और गेम का साइज है 303 MB। अब ये जो गेम है अपने साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो भी बहुत अच्छी है, साथ में इस गेम में हमको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ है, एंड अलग अलग तरीके के जो है वेपन्स भी हमको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस गेम को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस गेम का साइज़ तो कम है बट ये गेम इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप गूगल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।